हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस समय मैं दुकान पर हूँ, आपको एक मॉडल दिखाता हूँ, बहुत ही उम्दा है एलजी का फ्रिज, नया मॉडल। आप यूँ समझ लीजिए, अभी तक वो कहीं पर भी नहीं आया, ना ऑनलाइन मिलेगा आपको, ना ही सारे शोरूम पे मिलेगा। वो हमारे पास मॉडल पहुंचा है, कुछ ही प्रोडक्ट मतलब कुछ ही मॉडल वो यहाँ पे आए हुए हैं पूरे नॉर्थ में, तो मैं आपको शो करवाता हूँ। आगे चला आ जाएंगे, लेकिन अभी के टाइम पे ये आपको शोरूम पे भी जल्दी से नहीं मिलेगा, और दूसरा ये है कि ऑनलाइन तो ये है ही नहीं। सिंगल डोर फ्रिज है एलजी का, मॉडल एकदम बढ़िया है, उसको शो करवाते हैं। प्राइस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मॉडल दिखाता हूँ, ये वाला है। पहले मैं अंदर से शो करवाऊंगा, उसके बाद बाहर से दिखाऊंगा। देखो अंदर एक तो सबसे पहले उन्होंने फ्रीजर बड़ा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉब हुआ करती थी वो हटा दी है, वो नॉब कम ज़्यादा करने वाली यहाँ पे नहीं है, बाहर डिस्प्ले दी हुई है। तो आप ये फ्रीजर देख लें, ये काफ़ी बड़ा है, उस वाले फ्रीजर से आप यूँ समझ लें कि डेढ़ गुना बड़ा है। ये चिलिंग ट्रे हो गई, और इसमें लाइट की जगह पे पहले बल्ब हुआ करता था, उसकी जगह पे यहाँ पे एलईडी लाइट दी हुई है। तो एलईडी है यहाँ पे, जो बढ़िया जलेगी। ये भी फिनिशिंग अच्छी है इसकी, जो बोतल रैक वगैरह जो रैक रहती है रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ये बढ़िया है। आइस क्यूब ट्रे है नीचे, ये जो वेजिटेबल ट्रे है वो भी बढ़िया है, मैनुअल है इसके साथ। और एक दो तीन इसमें ये हैं सामान रखने वाली। ऊपर ये आपकी चिलिंग ट्रे हो गई, उसके बाद वेजिटेबल ट्रे हो गई। इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो इसमें एग रैक हो गई ये वाली, ये आपकी रैक एक और हो गई। यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ऐसी रैक लगवा सकते हैं, वो अलग से रहती है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे यही तीन रैक्स हैं, एक ये बॉटल रैक हो गई इस तरफ, और एक ये नीचे हो गई। ये इसका मैनुअल हो गया, ये मैनुअल जो है वो आप इसमें की है जो लॉक करने के लिए, डोर लॉक के लिए होती है, ठीक है। ये स्विच हो गया जो एलईडी बल्ब को बंद करता है, यहाँ डोर क्लोज करने पर एलईडी बंद हो जाती है, ठीक है। अब ये बाहर से देख लेते हैं। देखो एक तो सबसे पहले आप पैटर्न देख लो, है ना खूबसूरत, ठीक। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो है डिस्प्ले, देख रहे हो ना, ये डिस्प्ले जो दिख रही है आपको, तो यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे अंदर के टेम्परेचर को, कंट्रोल करना है ज़्यादा सामान हो गया तो उसके लिए इसको लॉक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है, स्मार्ट कनेक्ट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो ये इसमें पैटर्न में है। ये है कितना है इसका, इधर समझ लीजिए, अभी डिस्प्ले ऑन करके भी दिखा दूंगा आपको। ये स्मार्ट इन्वर्टर एक तो कंप्रेसर है, जिसकी वारंटी 10 ईयर है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर की। तो सबसे महंगा आइटम होता है, 4 स्टार में है हमारे पास, ये 129 यानी कि 129 यूनिट पर ईयर का इसमें खर्चा है लाइट का, और ये है आपका 204 लीटर में। बढ़िया फ्रीज है, फास्टेस्ट कूलिंग है, फास्टेस्ट आइस मेकिंग है। आप यूँ समझे कि आपकी आइस मेकिंग का जो टाइम रहता है वो लगभग 90 मिनट के अंदर आपको आइस मेक करके दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, मॉडल नंबर भी बता दूंगा आपको, शो करवा दूंगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा। ये मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूँ समझ लें ऑनलाइन तो आया ही नहीं। पैटर्न मिल जाएगा, बट डिस्प्ले सिंगल डोर में आपको एलजी में, डिस्प्ले सिंगल डोर में एलजी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मॉडल एकदम परफेक्ट है, अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो रेट के बारे में अभी बात करते हैं, पहले एक बार डिस्प्ले इसकी ऑन कर लेते हैं। तो इसमें डिस्प्ले आपको दिख रही होगी, ये विंटर में चलाने के लिए है, लो कूलिंग के लिए, क्योंकि सर्दियों में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ठंडक की। तो ये वाला इसका बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे, जो लो कूलिंग पे है वैसे मानसून की तरफ बढ़ता जाएगा, तो अंदर ठंडा भी वैसे बढ़ता जाएगा। समर आएगा तो गर्मियों में तो वैसे ही अंदर चिल्ड करने के लिए तो समर की तरफ कर देंगे, तो यहाँ से ये एडजस्ट होता है, इसको कर देंगे। इसी बटन को अगर 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप यूँ समझिए लगभग ये एक्सप्रेस कूलिंग पर आ जाएगा, ज़्यादा कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जब सामान ज़्यादा होता है, कोई पार्टी है कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए ज़रूरत होती है। इसको 3 सेकंड प्रेस करेंगे, यहाँ पे लाइट जल जाएगी, जिससे क्या होगा, एक्सप्रेस कूलिंग पे आ जाएगा, ठीक है। इसी को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये हट जाएगा, अभी चला गया, ठीक है ना। इसके नीचे डिफ्रॉश है, ऑटो डिफ्रॉश है, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कभी ज़्यादा बर्फ अंदर फ्रीजर में भर जाता है ना कभी फ्रीजर, तो उसके लिए डिफ्रॉश वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये डिफ्रॉश मोड पे चले जाए, यहाँ पे लाइट आ जाएगी, ठीक है ना। इसी को होल्ड करेंगे तो पहले तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन आप इसी को प्रेस करेंगे तो ये हट भी जाएगा, ठीक है। लॉक का बटन है, लॉक को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपका ये 3 सेकेंड में ही लॉक लग जाएगा। आप कोई भी बटन दबाएंगे तो वो बटन प्रेस नहीं होगा। जो इसका डोर लॉक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, हैंडल के जस्ट नीचे। हैंडल की फिनिशिंग देखिए, ये कलर जो है ना प्रीमियम है, मतलब यूँ समझिए कि दूसरी कंपनियाँ जो वैसे ही होती हैं लोकल टाइप की,
उनमें क्या होता है कि इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतना अच्छा कलर पे वो नहीं आता है, तो ये एकदम परफेक्ट है मॉडल, बढ़िया। देखो ये लुक हो गया सामने से, और इसका बैक साइड देख लीजिए, पहले फुल ब्लैक है, ये बैक साइड हो गई, ठीक है, ये पूरी बैक साइड बढ़िया है, ऊपर से भी अच्छा है। तो गाइज इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका रेट जो LG वेबसाइट पे है वो है लगभग 27,099, यानी कि 27,099 रुपीज़ का वेबसाइट पे रेट चला हुआ, ये MRP है। इससे कम भी आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है इस पर डिस्काउंट होगा, लेकिन वो फिर डीलर राइट का लंघन हो जाएगा करके, तो इसलिए नहीं बता सकता। तो जो वेबसाइट पे रेट पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और डीलर पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना डिस्काउंट है, 1,000-2,000 रुपये तो वैसे ही हो जाता है, तो एक बार आप विजिट करें। मॉडल बहुत बढ़िया है, एकदम न्यू है, ये मॉडल आपको LG में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये पक्का है। मतलब ये LG का जो मॉडल है ये आपको अभी के टाइम पे किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन या क्या नाम डीलर शॉप पे नहीं मिलेगा, ये बहुत कम अभी एकदम लॉन्च हुआ है दिवाली के टाइम नवरात्र पे, तो बढ़िया है, एक बार आप विजिट करें, देखें, मॉडल अच्छा। ओके दोस्तों, बाय।